सो चैप्टर नंबर 4 की हम बात करेंगे, जिसका नाम है लिनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स. लिनियर इक्वेशन इन अ विच वेरिएबल? टू वेरिएबल्स. ओके, तो हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया. आपको याद आ रहा है चैप्टर 2 जो हमने कंप्लीट किया है या ना, जिसमें हमने कुछ ऐसी बातें पढ़ी होगी, 4x² + 3x + 2 = 2 तो नहीं था, बट फिर भी चलो हमने ऐसी कुछ बातें पढ़ी थी. यस और नो? इसको हम टर्म्स बोलते हैं, पता है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, है या ना. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? आज ट्राइनोमियल भी सही है, पॉलीनोमियल. और खास करके पॉलीनोमियल का कौन सा टाइप है? ट्राइनोमियल. क्यों ट्राइनोमियल? वेरी गुड. कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. अंकित, कौन से 3 टर्म्स है इसके अंदर? कौन से 3 टर्म्स है इसके अंदर? यस, वेरी गुड. यस, 4x² 3x and 2, ऐसे 3 टर्म्स है. कितने टर्म्स है? 3. ओके, टोटल कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. बात क्लियर हुई? चलो अब बेटा, इसमें व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, वेरी गुड. डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, हरी, क्या आएगा बेटा? 2. अब तुम बोले वो सही है. अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, विच टाइप ऑफ पॉलीनोमियल इज? क्वाड्रेटिक. तब क्वाड्रेटिक आएगा. आया समझ में? मैंने तो क्या पूछा था, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल? कैसे आया 2? यस, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. बताया है ना आपको ये सब चीजें? यस और नो? इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 2. यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2. तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 2, हाईएस्ट पावर. आया समझ में? और जिसको सुन लो भाई सिद्धार्थ, इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. बात क्लियर हुई है या ना? नाउ मानो कि इसका अगर हमें बोलना हो, अकॉर्डिंग टू द टर्म टाइप ऑफ पॉलीनोमियल, अकॉर्डिंग टू द टर्म कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हो तो क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. अभी भी प्रैक्टिस कम है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनको अभी प्रैक्टिस करना है घर पे. बाइनोमियल क्या? बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, 2 टर्म्स है, 3x and 2. आया समझ में?
अब बताओ इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ओके कितना है सृष्टि? देखो यहाँ पे पावर कितना है? वन यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर कितना हुआ? वन। तो ये विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो गया? लिनियर। क्या हो गया? लिनियर पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुआ? आया ना? ओके हाथ रेस करते करते कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ रेस करना है ना? चलो गुड, बात क्लियर हो गया सबको? यस और नो, लिनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, है ना? चलो ये सब एक ही वेरिएबल में था, देखा एक्स तो एक्स, ऊपर वाला भी एक्स वेरिएबल में था। आया ना? सर ये क्यों बता रहे हो? तो इसलिए बता रहा हूं, चैप्टर का नाम देखिए, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि मुझे एक इक्वेशन बनाना है। जब भी मैं इक्वेशन बनाता हूं तो बीच में क्या आएगा? इक्वल्स टू। मैं इक्वल्स टू ना लिखूं तो पॉलिनोमियल बोला जाता है। आया समझ में? आया ना? अब लिनियर मतलब कितना डिग्री होना चाहिए? वन। पावर कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। सपोज मैंने एक्स लिया तो एक्स का पावर वन होना चाहिए, तो फोर एक्स प्लस, मानो कि मैंने वाई लिया तो वाई का पावर भी क्या होना चाहिए? वन। थ्री वाई इक्वल्स टू टेन, तो इक्वल्स टू टेन, दिस इज इक्वेशन। ओके तो ए हो गया लिनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है? x एंड y, ये दो वेरिएबल है। क्लियर हुआ? दोनों का पावर कितना है? वन, इसीलिए क्या बन गया? लीनियर। और इक्वल्स टू आ गया इसलिए क्या बोलेंगे उसको? इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात क्लियर हुई? यस और नो? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके हमने पता है लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा हुआ है, जैसे बीच में जीरो, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। आया समझ में? अब मानो कि हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, लिनियर या क्यूबिक? लिनियर। मैंने बोला हाथ रेज करना है, फिर मैं पूछू तब आंसर बताना है। ओके तो कौन सा है? लिनियर। क्यों लिनियर है? बोलो प्रीत। वन, कहां पे वन दिख रहा है? एक्स के ऊपर। ओके गुड, तो पावर कितना है? वन। मैक्सिमम पावर कितना है? वन। पावर होता कहां है? किसके सर के ऊपर? वेरिएबल के सर के ऊपर। आया समझ में? ये करने से मेरा सर नहीं, वेरिएबल का सर। किसका सर? वेरिएबल का। बात क्लियर हुआ? तो ये हो गया लिनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल, ओनली हाउ मच वेरिएबल? वन। तब इसको मुझे सॉल्व करना है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा हुआ होगा कि 2x इक्वल्स टू ए प्लस 5 नाम का पंडित उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5। एंड अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो माइनस 5 डिवीजन में 2। आया समझ में? सो दिस इज द रूट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना? अब ये माइनस 5 बाई 2 जो है वो किसके बीच में वेरी करेगा? तो 2 का टेबल बोलो, जब तक 2 2 4 वन बच गया, 2 इंटीजर 1 बाई 2 बोलते हैं ना, तो ये 2 पूरा आएगा, उसके बाद 3, तो माइनस 2 एंड माइनस 3 के बीच में कौन आएगा? माइनस 5 बाई 2। बात क्लियर हुआ? जिस रूट को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, नंबर 1, द सेम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या लेना था? 0। मैं क्या कर रहा हूँ? 2x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 5 ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी माइनस 5 ऐड कर रहा हूँ। दिस इज द वन वे, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा शायद, ए प्लस 5 माइनस 5 कर दो, 2x इक्वल्स टू माइनस 5 बचा, जो हमने डायरेक्ट लिखा था ऊपर, प्लस 5 नाम का पंडित उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। दो स्टेप करने की जगह पे डायरेक्ट लिखा था। हाँ या ना? बट अगर हम वो स्टेप, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ए स्टेप आया कैसे, तो ए स्टेप आया इस तरह से, हमने दोनों साइड कितना ऐड किया? माइनस 5 माइनस 5, या तो फिर हमने दोनों में सब्सट्रैक्ट किया 5 5। तो अगर हम दोनों साइड सेम थिंग को सब्सट्रैक्ट करते या दोनों साइड सेम थिंग को ऐड करते हैं, तो सॉल्यूशन में, मतलब इक्वेशंस में कोई चेंज आता नहीं है। बात क्लियर हुआ? यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर, जैसे कि ये 2x इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया, फिर मैं इसको 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 2 क्या हो गया? तो हमने डायरेक्ट लिखा था, पता है 2 उधर चला गया तो माइनस 2 ऐसा, तो हमने लिखा था डायरेक्ट, यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही करना है। देखो
हमने यहाँ पे बताया था, टू इधर चला गया तो क्या हो गया, डिवीजन में चला गया, आया ना, यस और नो? बट एक्चुअली में वो आया कहाँ से था, हमने दोनों टर्म को कितने से डिवाइड किया था, टू टू से, आया समझ में? तो इक्वेशंस को जब हम किसी को लेफ्ट एंड राइट लेके जा रहे हैं, मतलब कि हम सेम थिंग को एक जगह पे ऐड या सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इक्वेशन में हम किसी नंबर को डिवीजन में लेके जा रहे हैं तो समझना कि हम दोनों जगह पे डिवाइड कर रहे हैं, बात क्लियर हुआ? उससे इक्वेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, गॉट इट ना? अब हम कुछ सिचुएशंस देखेंगे, वो तो वन वेरिएबल में था, अब हम ऐसी कुछ सिचुएशंस देखेंगे जो टू वेरिएबल्स में होगा, कितने वेरिएबल में होगा, टू वेरिएबल्स में, आया समझ में? चलो ओके चलो, इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन द श्रीलंका एंड इंडिया प्लेड इन अ नागपुर, कहां पे प्ले किया गया था, टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन, ओके, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा था, इंडिया के दो बैट्समैन ने साथ में मिलके कितने रन जोड़े, 176, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहां से आपको इक्वेशन बनाना है ना, टेंथ में जाके भी ये चैप्टर आने वाला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका हमें सॉल्यूशन करना है, चैप्टर नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम ढूंढेंगे एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्यों आधा सुना, आधा क्यों सुना तुमने, एक दिन नहीं बिठाया था चैप्टर 3 में तुम्हें, पहले ही दिन वो चैप्टर 3 चल रहा था, पहले ही दिन याद करो, उसको टेंथ की क्लास में बैठा दिया था, है ना, चलो मुझे लगा वो टेंथ में है, फिर उसने बताया पूरा क्लास खत्म होने के बाद कि सर मैं नाइन्थ में, बोले नाइन्थ का क्लास अभी चालू नहीं होगा, बाद में आना है ना, नाम बोल गया, नम्र बराबर, तो टेंथ में चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम इसको ही पढ़ने वाले, बात क्लियर हुआ? ओके, अब दो बैट्समैन थे, हमें पता नहीं कौन से बैट्समैन ने कितना किया, तो हमने क्या किया, लेट यूज विच सिंबल, एक्स एंड वाई, मानो कि वन बैट्समैन ने कितने रन किए, अनदर बैट्समैन ने कितना स्कोर किया, तो एक्स प्लस वाई टूगेदर कितना बन जाएगा, तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस इन्फॉर्मेशन को हमने इक्वेशन बना दिया, क्या बना दिया, इक्वेशन, ऐसे तो काफी ज्यादा इक्वेशन है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 1.2s 3t इक्वल्स टू 5, दिस इज लिनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, देखो पावर कितना है, 1 1, कुछ भी ना लिखा हो तो पावर कितना होता है, 1, चलो यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है, पी क्यू, कौन से दो वेरिएबल है, पी एंड क्यू, उनका पावर कितना है सिद्धार्थ, पी का पावर और क्यू का 1, ऊपर कुछ लिखा नहीं, मतलब पावर कितना है 1 1, यानी लीनियर, गॉट इट ना, चलो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, कौन से दो वेरिएबल है, यू एंड वी, हियर इज अ पाई कोएफिशिएंट, पाई जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट, चलो ये लीनियर इक्वेशन है, यस, कौन से दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स एंड वाई, दोनों का पावर कितना है, 1, बात क्लियर हुई, यस और नो, वापस दिया गया है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये प्लस 7 उधर चला जाएगा तो -7, ये प्लस 9 उधर चला जाएगा तो -9, ये प्लस 3 उधर चला जाएगा तो -3, और दूसरी साइड कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ये सारे इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यस और नो, तो हम उसका एक कॉमन फॉर्म बना सकते हैं, देखो ये सारे लास्ट हमने फॉर्म बनाए उसमें देखा राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल है एक्स वेरिएबल, दूसरा टर्म जिसके साथ वाई वेरिएबल है, और एक तीसरा टर्म ऐसा आ रहा है सब में जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको कॉन्स्टेंट सी बोल देते हैं, बात क्लियर हुआ, तो लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स का फॉर्म किस टाइप का होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बात क्लियर हुआ, बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए
बीपी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब मान लो कि ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स जीरो हो गया ना, तो एक्स ही निकल जाएगा, तो फिर वन वेरिएबल हो जाएगा, कितना वेरिएबल हो जाएगा, और मानो कि वाई जीरो हो गया तो वाई निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा एक्स, तो वापस कौन सा वेरिएबल हो जाएगा वन, बट हमें तो टू वेरिएबल इक्वेशन चाहिए ना, कैसा इक्वेशन चाहिए टू वेरिएबल, इसलिए ए एंड बी कभी जीरो हो गए, सी में भी जीरो, सी नॉट में भी जीरो, सी के बारे में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बात क्लियर हुआ है या ना, ओके। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज अ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से कितना है, डबल है, राइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, आपको बोला भी गया है हिंट के तौर पे, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स, क्वेश्चन नंबर वन, ओके, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स रुपीज, क्लियर, दूसरा क्या है पेन एंड कॉस्ट ऑफ इज इक्वल टू वाई, वाई रुपीज, क्लियर है, ओके, फ्रॉम गिवन क्या बताया गया है आपको स्टेटमेंट वो पढ़ो, आपको ऐसा बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब एक साइड पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक साइड पे कॉस्ट ऑफ पेन और बीच में इक्वल्स टू, बट सेंटेंस पढ़ना था ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, दो गुना, मतलब किसी से दो, किसी को दो से मल्टीप्लाई करना है, आया समझ में, ये दो से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, तो जो छोटा नंबर है, ऑलवेज छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, कुछ मेरे सेंटेंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता है ना, जो बार बार आते रहते हैं आपके लाइफ में, ऐसा हो तो दो साइन हो तो प्लस करने का, दो सेम साइन हो तो प्लस करने का, दो डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करने का, ऐसा मैं बोलता रहता हूँ, हाँ या ना, सेकंड चैप्टर में सुना होगा, यस और नो, तो इसको भी सुनो, टेंथ में भी जरूरत पड़ेगी, जब हम दो वेरिएबल को सामने आमने सामने रख दे तो ऐसे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है जो छोटा है, तो यहाँ पे लिखा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, तो किसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक ज्यादा है और कम कौन है पेन, तो पेन की कॉस्ट कौन सी है वाई, उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू टू वाई, ए फॉर्म भी हो सकता है और एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू, दोनों फॉर्म हो सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन, बात क्लियर हुई, क्वेश्चन वन कंप्लीट हुआ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो चलो पहला कौन सा है 2x प्लस 3y प्लस 9.35 बार, ओके हमारे पास बुक है ना, अब क्वेश्चंस बोलना, ओके क्वेश्चन टू में पहला बोल दो 2x प्लस 3y प्लस 9.35 बार, बात क्लियर हुई ना, आया ना, उसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c, बट ए प्लस वाला जो है इधर आ जाएगा तो माइनस 9.3 बार, सॉरी 3.5 बार इक्वल्स टू जीरो, इस तो हम इधर ले आए, आया ना, बाय कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देखो कंपेयर करते हैं, x की जगह पे x, a की जगह पे 2, आपको ए बी सी की वैल्यू लिखनी थी, पता है ना, ए की जगह पे 2, चलो बी की जगह पे y, की जगह पे y, बी की जगह पे 3, बोलो सी की जगह पे, ये तो प्लस था लेकिन ये क्या है माइनस, तो माइनस अपना साइन लेके जाएगा ना नंबर, ये अपना नाक कटवा के जाएगा, है ना, उसको अपना साइन उठाना ही है, बात क्लियर हुआ, ए बी सी मिल गए, चलो दूसरा आपको करना है, अपना फिंगर रेज करना है जिसको भी आ जाए, बोलो क्वेश्चन, बस यही था एबीसी फाइंड करना था, ओके एक्स माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू
जीरो, इसको मैं थोड़ा सा एक्स माइनस वन अपन फाइव इंटू वाई ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाई अपन फाइव को, माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, बात क्लियर हुई, बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मैंने एग्जैक्ट नीचे लिखा ताकि आप कंपेयर अच्छे से कर पाओ, वी हैव ए इक्वल्स टू, बोलो नंबर, मुझे पूछा है कि मैं तुम्हें पूछा, मतलब अच्छे से बोलो अभी, पक्का कॉन्फिडेंट, ओके, एक्स इक्वल्स सॉरी एक्स के आगे क्या है ए, यहाँ पे एक्स के आगे क्या है ए, तो वहां पे एक्स के आगे कुछ है, कुछ भी नंबर ना हो तो कौन सा होता है वन होता है, क्लियर है, चलो अब बताओ रोशनी बी की इक्वल्स टू, गुड, वाई के आगे बी है लेकिन और करेक्ट करो इसको, वाई के आगे यस माइनस वन बाय फाइव, बात क्लियर हुआ, चलो आस्था बताओ बेटा सी की जगह पे, वेरी गुड माइनस टेन, है ना मस्त, छोटे छोटे बच्चे वाले न्यूमेरिकल आया ना, चलो बोलो भाई थर्ड नंबर बोलो, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई, और वो सिक्स नाम का अपन देते जाए चला जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, वी हैव ए इक्वल्स टू, बोलो सिद्धार्थ, रख दो मैं नाम बोलूंगा, माइनस टू, ओके आगे हार्दिक, वेरी गुड, वाई के आगे बी है, वाई के आगे थ्री, आप लोग कंफ्यूजन में बोलते हो, आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो थ्री ऐसा नहीं बोलते, थ्री थ्री मतलब सर आप जो आप जानो हम आपके स्टूडेंट्स हैं, है ना, चलो भाई रौनक, अरे वाह रौनक, बस देख के बैठा था, मुझे पूछ ले तो मैं फट करके बोल दूं, ऐसे कॉन्फिडेंटली आंसर होना चाहिए, बराबर, चलो बोलो आगे, x इक्वल्स टू थ्री वाई, बस इतना ही है ना, तो बेटा देखो x माइनस थ्री वाई, थर्ड टर्म है ही नहीं तो एड करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो मल्टीप्लाई में होता है तो वन होता है, किसी भी चीज में जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन ऐड कर दोगे तो फर्क पड़ जाएगा, आया समझ में, चलो तो क्या ऐड करेंगे, कोई टर्म ना हो तो जीरो ऐड करेंगे, बात क्लियर हुई, बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बोलो बेटा तुम ना, हाँ ओके वन सही है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो वन, क्लियर महेक, माइनस सॉरी सृष्टि, बराबर ये लिख दिया इसलिए मजा आ गया, मतलब ये लिखना भी चाहिए, जब दो टर्म्स हो किसी का कोई और टर्म ना हो तो जीरो है, और कोई बोलो कितने हैं टोटल, ओके बोलो फटाफट, टू हाँ हाँ माइनस ओके, चलो फटाफट कंप्लीट करें ना, तो इसको अभी पूरा न्यूमेरिकल एक ही के पार्ट में, हाँ एक ही के खाते में, अंकित हाँ मतलब वही बोल देगा पूरा, क्या लिखूं अंकित यहाँ पे, जीरो थर्ड टर्म जीरो बराबर ना, माइनस फाइव वाई को उधर ले आए प्लस, अब बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एक्स के आगे बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, चलो सिक्स नंबर बोलो सृष्टि, थ्री एक्स प्लस हाँ इज इक्वल टू जीरो, बोलो हरी, थ्री एक्स उसके बाद होना क्या चाहिए था, एक्स के बाद क्या आना चाहिए था, वाई है यहाँ पे नहीं है तो y तो लिखना ही है, लेकिन उसके आगे कौन, जीरो इंटू वाई जीरो, मतलब जीरो कॉन्स्टेंट टर्म हो तो सीधा जीरो ऐड करते, x और y वाला टर्म ऐड करना हो तो जीरो के साथ ऐड करते, बात क्लियर हुआ, प्लस टू इक्वल्स टू, बात सबको क्लियर हुआ ना, ये y नहीं था इसलिए क्या लिखा, जीरो वाई, एक्स नहीं होता तो क्या लिखते, जीरो एक्स, अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता तो क्या लिखते, सिर्फ जीरो लिखते, बात क्लियर हुई, बाय कंपेयरिंग विथ
यस नीचे ही लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक वर्ष टू जीरो। हरी बोलो फटाफट, एक वर्ष टू थ्री, बी इक्वल्स टू जीरो, सी इक्वल्स टू टू। आया समझ में? सेवन नंबर बी। हाँ बट यस, तो ए वेरी ए ए जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है, इसीलिए बी इक्वल्स टू जीरो आ गया। बट अगर तुम्हारा दो वेरिएबल में लिनियर इक्वेशन हो ना तो कभी बी जीरो होने वाला नहीं है। आया समझ में? अभी तो हमें ढूंढने को बोला है इसलिए हमने ढूंढ दिया, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, y माइनस टू बोलो। बराबर, चलो कौन करवाएगा नम्र? माइनस टू इक्वल्स टू जीरो बाय कंपेयरिंग विथ यस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। चलो बोलो फटाफट, ए इक्वल्स टू माइनस टू। चलो एट नंबर, एट मेरा है ना, ओके वाई इक्वल्स टू, हाँ बोलो ना, टू एक्स, गॉट इट ना? यस और नो? इसमें दो आंसर हो सकते हैं क्योंकि वाई को इधर ले जाएंगे ना तो टू, हाँ फाइव फाइव फाइव, फाइव इक्वल्स टू टू एक्स, गॉट इट ना? चलो ये फाइव को उधर ले जाओ तो टू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू, बट वाई तो रह गया ना, तो टू एक्स प्लस जीरो वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू बाय कंपेयरिंग विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू। चलो बोलो ए इक्वल्स टू, सब बोलो साथ में, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू, होशियार। चलो नेक्स्ट, खत्म ना? ओके, तो यहाँ तक की बात आज कंप्लीट हो गई। 4.1 एज यूजुअल हर रोज का एक एक्सरसाइज में 4.1 भी खत्म हो गया। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।